सितंबर 2016। ये वो रात है जब भारतीय सेना और कुछ शीर्ष नेता नए भारत की पटकथा लिख रहे थे। भारतीय फौजें पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर आतंकी कैंपों को खत्म करके वापस आ चुकी थी। 29 को दुनिया ने ये जान लिया था कि नए भारत का सूर्योदय हो चुका है। ये नया भारत ना झुकेगा और ना ही रुकेगा। नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी और आप देख रहे हैं कभी न्यूज। भारत में इस ऐतिहासिक दिन को सर्जिकल स्ट्राइक डे के रूप में जाना जाता है। आज भारत उस अदम्य साहस की 5वीं वर्षगांठ मना रहा है। आइए जानते हैं क्या हुआ था उस रात को। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला किया था। इस घातक हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हमलावर बेखौफ नहीं जाएंगे और उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। 18 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमले की प्रतिक्रिया में आतंकवादी संगठन के खिलाफ 28-29 अक्टूबर की रात जवाबी हमले किए गए थे। पाकिस्तान आतंकी कैंपों की मौजूदगी को स्वीकार नहीं कर रहा था। भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसा कदम उठाया कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकी कैंपों का खात्मा कर सकता है। 28-29 सितंबर की रात को भारतीय सेना विशेष बलों के 150 कमांडोज की मदद से नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने आधी रात पीओके में 3 किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के 6 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। इन आतंकी शिविरों को भारत में आतंकवादियों को भेजने के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इन लॉन्च पैड्स पर तैनात पहरेदारों को स्निपर्स ने मार गिराया और करीब 45 आतंकी इस कार्रवाई में मारे गए थे। हमले में आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान भी मारे गए थे। 28 सितंबर की आधी रात 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए 150 कमांडो को LOC के पास उतारा गया। यहां से 4 और 9 पैरा के 25 कमांडो ने LOC पार की और पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस स्ट्राइक के लिए सेना ने अपनी तैयारी 24 सितंबर से शुरू कर दी थी। स्पेशल कमांडोज को नाइट विजन डिवाइस, TAVR-21 और AK-47 असॉल्ट राइफल, रॉकेट प्रोपेल ग्रेनेड, शोल्डर फाइवल मिसाइल, हेकलर और कोच पिस्टल, उच्च विस्फोटक ग्रेनेड और प्लास्टिक विस्फोटक से लैस किया गया था। टीम में 30 भारतीय जवान शामिल थे। ये ऑपरेशन रात 12:30 बजे शुरू हुआ था और सुबह 4:30 बजे तक चला। पूरे अभियान पर दिल्ली में सेना मुख्यालय से रात भर नजर रखी गई थी। इस हमले के 2 साल बाद 2018 में भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाना शुरू किया। इस सर्जिकल स्ट्राइक को सबसे बेहतरीन सैन्य ऑपरेशन के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि दुश्मन ठिकानों को तहस नहस करने के दौरान भारतीय सेना के किसी जवान को मामूली खरोंच तक नहीं आई थी। भारतीय जवानों की इस जाबाजी का सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि भारत के प्रति स्नेह रखने वाला समूचा विश्व उसकी ताकत तक कायल हो गया और भारतीय सेना ने यह साबित कर दिया कि भारत पर होने वाले हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ कबीर न्यूज पर। नमस्कार।